शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब मजा आ रहा है हमको। अरे अभय इतनी पीती ही क्यों है कि अगले दिन उनको सर पकड़ के बैठना। आरती संभल के। तुम ठीक तो हो आरती? दिखा नहीं देता क्या आपको? मैं गिर जाती और मेरा तो... आरती तुम कुनाल से नहीं मिलोगी। आप कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम्हारी भाभी। आरती अगर तुम कुनाल से मिलने गई ना तो मुझे मजबूरन ये बात अभय को बतानी होगी। तुम्हारी भलाई के लिए अगर मुझे तुम्हारा दुश्मन भी बनना पड़े ना तो मैं वो भी बन जाऊंगी। कोई तो बात है जो आरती छुपा रही है, मुझे पता करना ही होगा। दुश्मन है श्रद्धा भाभी आप मेरी, दुश्मन। नफरत करती हूँ मैं आपसे, दिल से नफरत करती हूँ। कुनाल, कुनाल मैं कब से? अरे कब से नींबू पानी का इंतजार कर रहा हूँ, अब सर फट के बाहर आ जाएगा तब दोगी क्या? क्या हुआ, क्या सोच रही है? अभी वो मैं अब आप ये नींबू पानी पीजिए, मैं आपके लिए और बनाकर लाती हूँ। सॉरी कुनाल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे मिलने आने वाली थी पर वो श्रद्धा भाभी, उनकी वजह से मैं मिलने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तुम पहले यहाँ बैठो। श्रद्धा की बातों का बुरा नहीं मानते, खासतौर से ऐसी हालत में, है ना? अरे ये देखो क्या लाया मैं तुम्हारे, आज तुम्हारे लिए इमली। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना कुनाल। क्यों नहीं रखूंगा, मेरी प्यारी आरती मेरे होने वाले बच्चे की माँ जो बनने वाली। आरती जल्दी से वरुण जी और कीर्ति को लेकर ऊपर आ जाइए, अभी आइए। अरे सुबह सुबह क्यों घर सर पे चढ़ा लिया तुमने? बताती हूँ अभय, पहले एक बार सबको आ तो जाने दीजिए। क्या हुआ श्रद्धा, ये जल्दबाजी में हमें क्यों बुलाया? ये खुशी का मौका है, सबके साथ मिल बांट कर मनाया जाता है ना। मुंह मीठा कीजिए अभय, आप मामा बनने वाले हैं और आरती माँ बनने वाली है। हाँ
कुणाल का खून मेरी बहन के बच्चे में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह ये मनहूस खबर देने के लिए सबको इकट्ठा किया तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं आप अभय? एक औरत के लिए मां बनना उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर होती है। सही कह रही हो तुम श्रद्धा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि इस बच्चे का बाप वो शैतान कुणाल है। हाँ वरुण जी, लेकिन उस बच्चे की माँ आपकी बहन आरती है। तुम सिर्फ बात को घुमा रही हो श्रद्धा, सच्चाई को छुपा नहीं सकती हो तुम। बच्चे में माँ बाप दोनों का खून आता है, अगर इस बच्चे में कुणाल के रंग दिखे तो हम क्या करेंगे? बच्चे खून से नहीं, वो सीखते हैं अपने संस्कारों से, और आरती के आने वाले बच्चे में त्रिपाठी परिवार के गुण होंगे। श्रद्धा, अब हर बात पे ना बड़ों से बहस नहीं कर सकती। हमने भी दुनिया देखी, तजुर्बे से कह रहे हैं कि इस बच्चे में कुणाल के भी गुण आ सकते हैं। हमें तो ये सारी बातें सुन के ताज्जुब हो रहा है, हैरानी हो रही है कि हमारे घर के बड़े ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आप लोगों ने फैसला ले लिया कि वो राम बनेगा। क्या रावण? बुआ जी, मैं इन सबके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, मुझे बस फिक्र इस बात की है वो कुणाल इस बच्चे के बहाने से मेरी बहन से फिर से रिश्ता जोड़ने जाएगा, जो मैं उन्हें नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अभय? हम सब है ना, हम उस कुणाल को इस बच्चे पर हक जमाने कभी नहीं देंगे। पिता है वो इस बच्चे का, और कानूनी तौर पे भी आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि क्या भरोसा उसका कल को आ जाए प्रॉपर्टी से अपने नाम का हिस्सा मांगने के लिए। कभी तो पैसे और प्रॉपर्टी से ऊपर उठो कीर्ति, अभी यहाँ पैसों और प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, रिश्ते और परवरिश की बात हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कुणाल कैसा है क्या है ये सब जानते हैं, तो इनको लेने दो इनका फैसला। और फिर असल में तो ये फैसला आरती को लेना चाहिए कि वो कुणाल जैसे इंसान का बच्चा अपने साथ रखना चाहती भी है या नहीं। रोशनी, तुम खुद को एक औरत कहती हो, एक औरत होने के बावजूद भी ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकती हो तुम? तुम खुद ही सोचो ना, क्या एक माँ होने पर तुम अपने बच्चे की जान ले सकती हो? नहीं ना। और आप सब, एक इंसान के पापों की सजा उस आने वाले बच्चे को क्यों दे रहे? वो ये सब क्यों झेले? और आप सबसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस घर की बेटी को आप ऐसी सजा देंगे। आरती पहली बार मां बनने वाली, कम से कम इस बात के लिए उसे आशीर्वाद तो दीजिए। आरती इस घर की इकलौती बेटी है, क्या वो अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी खुशी भी नहीं बांट सकती? बेटा, तुमने हमारा नानी बनने का सपना पूरा किया, हमेशा खुश रहो। हमें भी थोड़ा प्यार कर लेने दीजिए और हम बुआ नानी बनने वाले से हम बहुत सारा प्यार करेंगे और बहुत बिगाड़ेंगे, तुम कुछ नहीं कहोगी हमें? हम बनेंगे बड़ी नानी। माता रानी आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखे।
बहुत बहुत बधाई आरती, तुम्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमें बताना। इस घर में ना ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, आरती ने जो हमें ये नन्ही सी खुशी दी है उसके आगमन के लिए हमें तैयारियां भी तो करनी है। ढोल नगाड़े बजाकर हम सबको बताएंगे कि इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। बिल्कुल, हम पूरे जश्न के साथ और सारे रस्मों के साथ नन्ही खुशियों के आगमन का जश्न मनाएंगे। और पालना मैं और श्रद्धा सजाएंगे। और नन्ही खुशियों का आगमन नीचे वाले घर से होगा और इसकी जिम्मेदारी बड़े मामा और मामी की होगी। ठीक है, श्रद्धा, तुमने जो आरती के लिए किया है ना, सिर्फ भाभी की जिम्मेदारी नहीं निभाई है बल्कि एक माँ, बहन और एक पक्की दोस्त का भी फर्ज निभाया है। तुम हमेशा खुश रहो। हम हमारी श्रद्धा का क्या ही कहें, इस घर को जोड़े रखने के लिए घर वालों से भी लड़ जाती है। श्रद्धा, सॉरी, मुझे तुम पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। जितनी तारीफें बटोरनी है बटोर लो श्रद्धा, क्योंकि इस नन्हे खुशियों के आगमन में तुम्हें सिर्फ लोगों से धिक्कार मिलेगी। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। क्या हुआ अभय, कहाँ खो गए थे आप? वो कुछ नहीं, तुम जल्दी काम करो ना। वैसे पालना तो तैयार हो गया है। अभय, 6 बजे हमें भी नीचे जाना है, सिर्फ 1 घंटा रहता है हमारे पास, तैयार भी होना है, जल्दी कीजिए। अरे रे, ये तुम क्या लगा रही हो? हमने यहाँ मछलियां लटकाएंगी, ऐसी मछली से मैं बचपन में खेलता था। बेचारा पूरा अपने मामा पे जाएगा। आपके जैसा मतलब गुस्सल, मजाक कर रही हो आप? हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हम ना ये वाला लगाएंगे, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल आरती के जैसा। तो हेलो, ये पालना आरती के लिए नहीं, मेरे भांजे के लिए, वो सिर्फ मामा की चलेगी। यहाँ आप ना अपनी मामा के लिए 9 महीने के बाद दिखाइएगा, अभी सिर्फ भाभी और मामी की चलेगी, हम ये वाला ही लगाएंगे। अरे मुझे आरती के बारे में तो सोचना है। तुम्हें मैंने मना किया ना, ये नहीं लगेगा, तुम हमेशा यही करती हो, भाई और कीर्ति के टाइम भी तुमने।
क्या कहा आपने अभय? ये सब पहले भी कभी कोई बात नहीं अभय, हम ये और वो दोनों ही लगा देते हैं। वरुण जी, सारे मिठाई के डब्बे आ गए, हम ना रसोई में जाके देखते हैं, माँ को कोई मदद चाहिए होगी तो। ए, ये क्या नाटक कर रही हो तुम? अजय कौन सा नया तमाशा तुम्हारा? नाटक तो तुम और तुम्हारी बीवी कर रहे हैं। पहले तो मेरा साथ देने का नाटक करते और फिर हो तो तुम अभय और श्रद्धा के साथ ही ना। मैं अभी भी श्रद्धा के खिलाफ, लेकिन उसका गुस्सा मैं अपनी बहन पे नहीं निकाल सकता। आज मेरी बहन की रस्म है, उसका दिन है, आज गलती से भी तुम कोई तमाशा मत करना। रोशनी, हमने कल तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आज तुम शांत रहोगे। मैं शांत रहूं और मेरी खुशियों को दबा के त्रिपाठी परिवार जश्न मनाएगा? कभी नहीं, तमाशा तो जरूर बनेगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बधाई हो बहन जी, नानी बनने की खुशी में। शुक्रिया शुक्रिया। कितने समय बाद इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे आइए ना, आप लोग बैठिए, आइए। नमस्ते। नानी बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। नानी बनने की खुशी और सौभाग्य हमसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता है। बहुत बहुत बधाई हो नानी जी। ये लो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। श्रद्धा बेटा, अब भाई अब तुम्हारे साथ ठीक तो है ना?
रखना है। खुश रहो। अब बस थोड़ी देर और इंतजार, इन सब के चेहरों की रंगत उड़ जाएगी। अरे तनुजा जी, आरती के पति कहाँ हैं? जिस बच्चे का जश्न हो रहा है उस बच्चे के होने वाले पापा ही नहीं दिख रहे हैं। कहीं दिख नहीं रहे हैं, बाहर गए हैं क्या? अभय, अरे वो किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गए हैं। ओ आंटी जी, इसीलिए तो आरती का परिवार उसके लिए सारी खुशियां मिलके मना रहा है। और हमसे बेहतर जश्न आरती के लिए कोई और मना सकता है? ये कैसे गिर गया, लगी तो नहीं आपको? चलिए रसम शुरू करते। हाँ चलिए। आंटी जी, आपके गले में तो हीरो का हार था ना, अब वही पहन के आई थी ना, कहाँ गया? हे भगवान, मेरा हार कहाँ गिर गया? सारा प्यार बच्चे की माँ के लिए, बड़े बच्चे का बाप भूखा रह जाए। मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा तू? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।